तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, मन के अंदर चलने वाले गलत विचार, ऐसे विचारों ने हमको घेर लिया है जिनको ठीक करना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा बन चुका है। क्या योग के अंदर कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा आसन, कोई ऐसा प्राणायाम है? तो हम जी उत्तर देंगे कि हाँ, ऐसी क्रिया और ऐसा आसन प्राणायाम है जो जीवन भर के लिए आपको इन समस्याओं से मुक्ति दे सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत परेशान रहता है व्यक्ति, इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग करता है ना कि भाई आप पूछो ही मत। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम ही ने तो ऐसे अभ्यास अपने बनाए हैं, कोई बनाने वाला दूसरा नहीं है, और निकल भी हम ही सकते हैं। आज से और अभी से आप इन क्रियाओं को प्रारंभ करना। नमस्कार दोस्तों, योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ की इस वीडियो में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। हम शुरुआत से आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या क्या है। सर्वप्रथम तो आपको कुछ आसनों का अभ्यास करना है। उनमें एक आसन तो है जो आपको बैठ करके करना है, जिसको बोला जाता है शशक आसन। दो इसके रूप है और एक लेट करके किया जाता है जो तीसरा इसका रूप है। तो करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको दंडासन में जाना है। दंडासन से सीधे आप चले जाओगे वज्रासन में। वज्रासन के बाद आपको अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हुए ऐसे नीचे की तरफ चले जाना है। लगभग 5 मिनट के लिए आपको ये वाला अभ्यास करना है। अपने माथे को ग्राउंड टच करते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब जो बालासन का पहला रूप है, इसमें अपने दोनों पैरों को आपको ऐसे खोल लेना है, अपने हाथों को टच करते हुए धीरे धीरे करके ऐसे नीचे की तरफ जाना है। बाल का मतलब तो दो अर्थों से लिया जाता है ना। बाल एक तो हमारे सर वाले बाल हो गए, एक बालक तो बालक कहा जाता है ना। अपने माथे को ऐसे टिका लेंगे, ग्राउंड टच कर लेंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। देखो 5 मिनट आप शशकासन कर लो और 5 मिनट आप ये बालासन का पहला रूप कर लो। ऐसे जब आप करोगे ना तो आपकी बॉडी का ब्लड आगे झुकने वाले आसनों में हमेशा सर की तरफ जाता है, और जितना ज्यादा ब्लड मिलेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। आउट ऑफ लिमिट अगर हमारे ब्रेन को ब्लड मिलेगा ना, तब किसी को सर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बालासन से हमारा ब्लड मैनेज होता है और जितनी मात्रा में हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, उतना ही वो मिलता है। तो 5 मिनट आप चाहे तो ये कर सकते हो। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। दो अभ्यास आपको इसी में करने हैं। शशकासन और बालासन को समझ लो कि एक अभ्यास हो गया। अब आप लेट जाएंगे पेट के बल। ये अभ्यास है ना, बहुत ही सिंपल सा है और आसानी से किया जा सकता है। अपने पैर को ऐसे रखेंगे जंघाओं के पास में, अपने हाथ की उंगलियों के ऊपर दूसरी हाथ की उंगलियां रख करके और ऐसे बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। मेरा मन रिलैक्स हो रहा है, मेरा स्ट्रेस दूर हो रहा है, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। मेरे जितने भी मन के अंदर विकार थे सारे के सारे योग के माध्यम से दूर हो चुके। सोचते रहेंगे, लेटे रहेंगे। ऐसे लेटने के बाद में अगला अभ्यास आप कर सकते हो शवासन। शवासन करना बहुत ही सिंपल है। अपने पैर के पंजों को ढीला छोड़ेंगे, एड़ियों को ढीला छोड़ेंगे, पिंडलियों को ढीला छोड़ेंगे, घुटनों को ढीला छोड़ेंगे, जंघाओं को ढीला छोड़ेंगे, ऊपर वाले भाग को ढीला छोड़ेंगे, नाभि चक्र को ढीला छोड़ेंगे, अपनी चेस्ट को ढीला छोड़ेंगे, अपने कमर गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, अपने हाथ की हथेलियों को ढीला छोड़ देंगे और अपने प्राणों के ऊपर आते चले जाएंगे धीरे धीरे। अब अपने प्राणों को देखेंगे, प्राण बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। ऐसे करके दोस्तों आप शवासन में प्रवेश कर सकते हो। इसके बाद आप उल्टे वाले हाथ की तरफ से उठ जाएंगे और 3 प्राणायाम का अभ्यास आप पहले कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। सुखासन भी हमारे मन के अंदर चल रहे विचारों को कम करने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि इसका नाम ही है ना सुखासन। अब सुखासन में बैठ करके 3 प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सीधे वाले हाथ को उठाएंगे, सीधे वाली नासिका पे रखेंगे, उल्टी वाली नासिका से लंबा गहरा प्राणों को आपको भरना है। देखो ऐसे इसको दबा करके यहां से छोड़ देना है। फिर सीधी वाली नासिका से प्राणों को भरना है, इसको यहां से दबा करके यहां से छोड़ देना है। फिर उल्टी वाली नासिका से प्राणों को भरना है, सीधी वाली से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम,
अनुलोम विलोम, इससे भरेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे भरेंगे, इससे छोड़ेंगे। ये कम से कम आप 5 मिनट करोगे, स्ट्रेस आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ चला गया। इसके बाद आप करोगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, 2 उंगली अपने माथे के ऊपर रखेंगे, कानों को अंगूठे से बंद कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, नासिका से ओमकार का नाद करेंगे। ऐसे कम से कम आपको 5 से लेकर 21 बार तक अभ्यास कर रहे हैं। ओनली हमने एक ही बार किया है और मन के अंदर जैसे ही गुंजर किया है ना, वैसे ही पता नहीं कोई अद्भुत सी एनर्जी हमको अपने अंदर फील होने लगी है। तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में आपको करना है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए ध्यान मुद्रा में हाथ रखेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। जब आपने नासिका से ओमकार का नाद किया था, अब आप मुख से ओमकार बोलेंगे। फिर हाथों को इंटरलॉक करके मौन बैठ जाएंगे। कम से कम आपको ये अभ्यास करना है 20 से लेकर के 21 बार तक। आपके जीवन के अंदर अगर स्ट्रेस रह जाए ना, तो हम बैठे हुए यहाँ पर अब जो चाहे वो बोल सकते हो, कह सकते हो कमेंट में। देखो योग में इतनी शक्ति है। योग का वैसे मूलतः अर्थ होता ही क्या है? वह क्रिया जिसमें हम अपने मन की वृत्तियों को समझ करके उनको रोकने का प्रयास करते हैं, समाधि में जाने की कोशिश करते हैं और चले भी जाते हैं, वही दोस्तों योग कहलाता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताना, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर आपको पसंद आई है। तो मिलेंगे आपसे अगले किसी नई वीडियो में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।